सवाल है कि जब पहली बार आप शाहरुख से मिली थी तो फर्स्ट आपका जब मतलब अनुष्का मेट शाहरुख तो क्या एक्सपीरियंस रहा था? ऑब्वियसली क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी और मैं उनको अपनी शूटिंग जो मेरी पिक्चर की जो शूटिंग थी उसके पहले दिन पे मैं उनको मिली थी और सेट पे ही मिली थी. सो आई नेवर मेट हिम बिफोर एंड ऑब्वियसली आई न्यू हिम एज द सुपरस्टार शाहरुख खान एंड नाउ आई एम गोना बी यू नो डूइंग अ फिल्म विद हिम एंड अ रोमांटिक फिल्म एट दैट. सो आई वाज वेरी नर्वस ऑब्वियसली आई वाज नर्वस एंड मेरी पहली फिल्म थी और बहुत कुछ चीनों चल रहा होता दिमाग में. एंड आई मेट हिम एंड एक्चुअली ही वाज जस्ट वेरी वेरी नाइस एंड ही कंग्रेचुलेटेड मी फॉर यू नो डूइंग द फिल्म. एंड उसके बाद ही वॉज जस्ट रियली चिल्ड आउट एंड आई फेल्ट वेरी कम्फर्टेबल इन हिज प्रेजेंस. ही वॉज नॉट इंटिमिडेटिंग विच आई थिंक आई रियलाइज मच लेटर वॉट अ ह्यूज सपोर्ट ही हैड बीन यू नो इन माई फर्स्ट फिल्म बिकॉज ही रियली डिड मेक एवरीथिंग वेरी इजी फॉर मी एज अ न्यू कमर विदाउट मेकिंग इट ऑब्वियस. यू नो जताए बिना ही वॉज यू नो मेकिंग थिंग्स इजी फॉर मी एंड आई थॉट दैट वॉज वेरी वेरी नाइस ऑफ हिम. एंड टिल डेट whenever I've worked with the actors who are perhaps you know doing their first film or and even in an ad and you work with somebody, I always want to pay back and you know be as helpful as I possibly can because of the way Shahrukh was to me, you know. So I feel like I find the need to do that because I know what a huge help it was for me. And yeah, so it's always beautiful and I'm always grateful whenever I'm working with him. And yeah, you know, Imtiaz, you know, would also tell you that even now, like even if his, you know, he's had this knee issue and injury and it'll be hurting. And if Imtiaz will say something, sir, मैं ये सोच रहा था, तो just suddenly spring up and be like, हाँ, हम ऐसे करते हैं. I think even I can't think of showing that kind of, you know, that kind of enthusiasm the way he continues to do. So you have to respect somebody at that level, at that stature, to have that kind of commitment for every day, you know, on shoot. It's commendable.